वेलकम टू थ्रेड पावर। बेसिक क्रोशे सीरीज में अब हम आपको सिखाएंगे ट्रिपल क्रोशे या ट्रेबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चेन बनानी होगी। पहला स्टेप ही हमें कोई भी स्टिच बनाना है क्रोशे का तो चेन ही बनानी पड़ती है। ये स्लिप स्टिच हमने ले लिया पहले, एक दो तीन, कुछ स्टिचेस अपनी मर्जी से आप ले लीजिए। देखिए चेन बना ली हमने। पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया है चेन कैसे बतानी है, काफी डिटेल में मैंने बताया है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट बना रही हूँ क्योंकि आप ये अब सीख चुके हैं। ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए हमें शुरू की चार चेन छोड़नी होंगी और पांचवी चेन में हमें स्टिच उठाना होगा। देखिए एक दो तीन चार, ये छोड़ देनी है और इस वाली पांचवी चेन में हमको स्टिच उठाना है। तो इस बार हम धागे को दो बार क्रोशिए पे लेंगे। देखिए ये हमारा प्लेन स्टिच है और ये हमने दो बार धागे को ऊपर ले लिया और इस फिफ्थ चेन में हमको हुक इंसर्ट करनी है। इस तरह से हर बार हम टू स्ट्रैंड्स, इस तरह से टू स्ट्रैंड्स ही उठाएंगे चेन के और फिर दो दो करके लूप को हम उठाते जाएंगे, उसमें से धागा पास करते जाएंगे। ये फर्स्ट टू में किया, फिर सेकंड टू में किया और फिर नेक्स्ट सेकंड टू में किया। इस तरह से देखिए, दोबारा देखें, दो बार यार्न ओवर करेंगे क्रोशे हुक पे, नेक्स्ट स्टिच पे लेंगे हम और हर बार टू टू लूप्स में से हमें थ्रेड को बाहर निकालते जाना है। इस तरह से तो ये जो हमने फोर चेन बनाई थी स्टार्टिंग की, तो ये भी हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे माना जाएगा। ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। आइए एक बार फिर सीख लेते हैं। इस तरह से हमने थ्रेड को निकाला। इस वक्त हमारे पास चार लूप हैं क्रोशे हुक के ऊपर, तो दो दो करके धागा निकालते जाना है। फर्स्ट टू में से निकाल दिया, सेकंड टू में से निकाल दिया और थर्ड टू में से निकाल दिया। देखिए इस तरह से हमको सारे अपने ट्रेबल क्रोशे चेन के ऊपर कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए सारे ट्रेबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से फर्स्ट रो मैंने ट्रिपल क्रोशे के कंप्लीट कर लिए। तो सेकंड रो कैसे शुरू करनी है, वर्क को टर्न कर देना है और फोर चेन स्टिचेस में हमने बनाने हैं। इस तरह से ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे या ट्रेबल क्रोशे। फिर आगे वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से टू लूप्स में से हमें हर बार क्रोशे को निकालना है। इस तरह से ये, फिर इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे सारे वर्क को। देखिए इस तरह से दूसरी रो भी मैंने ट्रिपल क्रोशे की कंप्लीट कर ली है। लास्ट वाला स्टिच आपको बताने के लिए छोड़ा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इस तरह से दो बार यार्न ओवर करके ये जो लास्ट चेन जो हमने फर्स्ट फोर चेन बनाई थी स्टार्टिंग में छोड़ी थी, जो उसकी फोर्थ चेन ये जो ऊपर ही दिख रही है, देखिए ये वाली, दिस वन, तो इसको उठा लेंगे इस तरह से।
टू स्ट्रैंड्स ही उठाने हैं हमको और इसे भी हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।